Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of Mechanical 5th Semester, Unit 3, Steam and Gas Power Plants. Topic 1st of Unit 3 as Introduction to Steam Power Plant, Lecture Number 11, prepared by Mrs. Amrita Mundle, Lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as steam power plant, its introduction, components of steam power plant and advantages and disadvantages of steam power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to list the components of steam power plant. It's called as a SPP. Explain working of steam power plant. Discuss advantages and disadvantages of steam power plant. It's steam power plant, another name is a thermal power plant. Program outcomes will be mapped by this video lecture as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this table. So the question is that what is steam power plant? Its name in the short form as SPP, steam power plant. Think about that. Remind thermal engineering subject of steam generation, steam condensation, then steam turbines, like that. तो आइए डिस्कस करते हैं स्टीम पावर प्लांट क्या है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने देखा SPP. तो स्टीम पावर प्लांट ये ऐसा सेटअप है जिसको आपने ओवरऑल थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में थर्ड सेम में देखा था कि बॉयलर होता है, बॉयलर के बाद टर्बाइन होता है, टर्बाइन पे स्टीम स्ट्राइक होती है और टर्बाइन की ब्लेड रोटेट होती है और इसमें जो वाटर बचता है मीन्स स्टीम बचती है और स्टीम को हम कंडेंस करके फिर से वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से कंटिन्यूएशन में बॉयलर में सप्लाई करते हैं. दैट्स एनिमेशन इज शोन इन दिस डायग्राम एंड इट कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट. दिस स्टीम पावर प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज ए थर्मल पावर प्लांट. तो यहाँ पे आपको स्टीम जनरेटर दिख रहा है, मीन्स आपका बॉयलर, उससे अटैच टर्बाइन है, स्टीम टर्बाइन, उससे अटैच हमारा जनरेटर है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके इस टावर में जाएगी और ये कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे. इसके बीच में टर्बाइन पे जो भी स्टीम स्ट्राइक होके बचेगी उसको हम रीयूज करने के लिए कंडेंसेशन में भेजेंगे. कंडेंसेशन में वाटर फ्लो होगा, जिसके कॉन्टैक्ट में स्टीम आएगी तो स्टीम वाटर में फेज चेंज करके फिर से हम उसको रीयूज करेंगे बॉयलर में. तो इस तरह से हमारा स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है. इट इज ए सिंपल वर्किंग. तो आइए देखते हैं स्टीम पावर प्लांट के बारे में SPP. तो ये जो स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर स्टेशन यूजिंग स्टीम एज ए वर्किंग फ्लूइड वर्क्स बेसिकली ऑन द रैंकिन साइकिल. तो ये स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट है जिसमें स्टीम एज ए वर्किंग फ्लूइड हम यूज करेंगे फॉर पावर जनरेशन और ये रैंकिन साइकिल पे वर्क करेगा प्रोसेस. स्टीम इज जनरेटेड इन ए बॉयलर, एक्सपांडेड इन ए प्राइम मूवर एंड कंडेंस इन ए कंडेंसर एंड फेड इनटू द बॉयलर अगेन विद द हेल्प ऑफ पंप. जैसे कि आपको पता है कि बॉयलर में स्टीम जनरेट होगी और ये स्टीम हम टर्बाइन पे डालेंगे तो यहाँ से हमारा पावर जनरेशन होगा. तो आइए समझते हैं इसे एनिमेशन को. जैसे कि यहाँ पे डी पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पे कोल आ रहा है, कोल के वजह से बॉयलर में कंबशन हो रहा है तो कंबशन में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस रहेगी ये इस चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर पे जी पॉइंट पे एग्जॉस्ट होगी. तो इसमें जो वाटर आ रहा है वो देखते हैं. तो वाटर आपका यहाँ से आएगा, ये वाटर कंबशन चैम्बर के अंदर जाता है तो ये वाटर से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा और प्राइम मूवर मीन्स टर्बाइन पे रोटेशन स्टार्ट करेगा जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो इसमें जो एनर्जी बचेगी, हीटेड फॉर्म में स्टीम है, रिमेनिंग स्टीम इन टर्बाइन, उसको हम फिर से कंडेंसर में भेजेंगे, कंडेंसर से
हीट एक्सचेंजर प्रोसेस होगा, और यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करेंगे वाटर, तो ये वाटर कूलिंग टावर से आएगा, कूल वाटर आएगा और इसमें कॉन्टेक्ट में आएगा स्टीम के जो टर्बाइन से आ रही है, तो ये दोनों में हीट एक्सचेंज प्रोसेस होगी और हमें यहाँ पे स्टीम का फिर से वाटर हीटेड फॉर्म में मिलेगा और वो हम रिसर्कुलेट करेंगे इस कंबशन चैम्बर के अंदर। तो और ये हमारा कूलिंग टावर है एट ए पॉइंट ऑफ एफ, ई इज ए कंडेंसेशन प्रोसेस और ए एंड बी इज ए हमारा टर्बाइन। तो ये हमारा एनिमेटेड डायग्राम है जिसमें हमें पावर जनरेशन प्रोसेस तो समझ रही है, बट एग्जाम में ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दूसरे एक डायग्राम है जो सिंपल डायग्राम है, जिसको हमने पहले ही बॉयलर मीन्स ऑलरेडी हमने थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखा था कि रैंकिंग साइकिल किस तरह से वर्क करती है। तो ये हमारे पास होता है बॉयलर, बॉयलर के पास बाद में होता है हाई प्रेशर टर्बाइन, देन लो प्रेशर टर्बाइन एंड इट इज कनेक्टेड टू जनरेटर। तो यहाँ पे जो भी पावर जनरेशन होगा, रोटेशन होगा, जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में मिलेगी। इसमें जो रिमेनिंग स्टीम बचेगी वो कंडेंसर में जाएगी, कूल होगी, अगेन हम इसको फीड वाटर हीटर से फीड पंप के थ्रू बॉयलर में सेंड करेंगे। ये हमारी साइकिल ऐसे ही चलते रहेगी। तो यहाँ पे हमारे प्रोसेस में हर एक इसमें पॉइंट्स दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो प्रोसेस है कि बॉयलर और हाई प्रेशर टर्बाइन के बीच में पॉइंट है हमारा 5, उसके बाद हाई प्रेशर टर्बाइन और लो प्रेशर टर्बाइन के बीच में हमारा पॉइंट है 6, और उसके बाद लो प्रेशर टर्बाइन से कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है उसमें पॉइंट है 7, और अगेन कंडेंसर और हमारा फीड पंप 1, इसमें पॉइंट है 1। तो ये जो पॉइंट है 1, 2, 7 जो हमने एक साइकिल बनाई और ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, तो यही हम यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी के फॉर्म में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन है, प्रोसेस है हमारा 1, 2, 7 to 1 कंडेंसर, उसके बाद हमारा 1 to 2, 1 to 3 ये फॉर्म होगा, उसके बाद हमारा फीड वाटर हीटर आएगा, उसके बाद 3 to 4 जाएगा, 4 to बॉयलर में जाएगा। तो बॉयलर में जाने के बाद हमारा जो वाटर रहेगा वो स्टीम फॉर्म में जाएगा और स्टीम फॉर से सुपर हीटेड फॉर्म में जाएगा, दैट इज ए कन्वर्शन ऑफ फेज। इस पॉइंट से हमारा वाटर हीटेड होगा और इस पॉइंट से हमारा, उसके बाद वहां पे हीट तो बढ़ेगी पर फेज चेंज होगा। तो उसके बाद ये जाएगा हाई प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन एंड अगेन इट इज कमिंग पॉइंट नंबर 7 कंडेंसर। तो ये हमारा रैंकिंग साइकिल है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी प्लॉटिंग। तो ये रैंकिंग साइकिल आपने थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, आपको एग्जाम में रैंकिंग साइकिल नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता स्टीम पावर प्लांट ड्रॉ करो या फिर उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग रिगार्डिंग दैट। तो रैंकिंग साइकिल इसलिए बताया कि स्टीम पावर प्लांट डिपेंड है रैंकिंग साइकिल पे। तो रैंकिंग साइकिल आपको एग्जाम में तो नहीं बट इंटरव्यू में पूछ सकता है कि रैंकिंग साइकिल क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट अगर रैंकिंग साइकिल पे वर्क करता है तो हाउ रैंकिंग साइकिल एंड यू आर एबल टू ड्रॉ रैंकिंग साइकिल। सो यू प्लॉट टेम्परेचर एंट्रोपी एंड डिफरेंट प्रोसेसेस इन स्टीम पावर प्लांट एज शोन इन दिस डायग्राम। सो लेट अस डिस्कस लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट तो हमने देख लिया कि बॉयलर होता है, बॉयलर से करना आपका टर्बाइन होता है, टर्बाइन के बाद जनरेटर होता है, टर्बाइन का जो रिटर्न आता है वो कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर का जो रिटर्न आता है वो बॉयलर में जाता है, ऐसे ही हमारी प्रोसेस चलती रहती है। तो अगर हम लेआउट के बारे में बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बॉयलर है तो बॉयलर के अंदर क्या आएगा, बॉयलर में लगता है कोल प्लांट, जैसे कि कोल आता है, कोल का स्टोरेज है कंबशन के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट रेड जोन आपको दिख रहा है, तो कोल स्टोरेज एंड कोल हैंडलिंग प्लांट ये बॉयलर के लिए होता है कंबशन प्रोसेस के लिए। इस कंबशन के बाद जो ऐश जनरेट होती है इसको भी हम एक प्लांट के थ्रू, एश हैंडलिंग प्लांट के थ्रू स्टोर और रिसर्कुलेट करते हैं। तो एश हैंडलिंग प्लांट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, देन कोल हैंडलिंग प्लांट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस स्टीम पावर प्लांट।
तो ऑल एलिमेंट्स आर कम इन लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट एंड दिस इज ए टाइप ऑफ लेआउट. इट्स कंसिस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन डिटेल. देन बॉयलर में इफिशेंसी बढ़ाने के लिए एयर प्रीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सारी चीज़ें होती है. जो भी हाई प्रेशर बॉयलर यूज़ करते हैं उसमें ये सारे इनबिल्ट प्रोसेस होती है. तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है जिसमें स्टीम जनरेशन होगा बॉयलर में बाय दिस प्रोसेस. और यहाँ से जो सुपर हीटेड स्टीम रहेगी वो डायरेक्टली जाएगी टर्बाइन पे. टर्बाइन की ब्लेड रोटेट होती है तो साथ में जनरेटर शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं. बची हुई जो स्टीम है टर्बाइन ब्लेड को रोटेट करने के बाद उसे हम एग्जॉस्ट स्टीम बोलते हैं. उसे हम कंडेंसर में कूल करते हैं बाय यूजिंग ऑफ कूलिंग टावर एंड रिवल वाटर. तो यहाँ पे वाटर का कूल वाटर का सर्कुलेट होता है तो यहाँ से स्टीम जो आती है कंडेंसर में वो कूल होके स्टीम का वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. टेम्परेचर थोड़ा कम होता है पर कन्वर्शन ऑफ फेज होता है स्टीम टू वाटर. देन ये जो हमने वाटर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया इसको हम फिर से बॉयलर में रिसर्कुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर. तो यहाँ पे हमें जो बॉयलर में प्रीवियसली जो हीट लग रही थी वो नॉर्मल वाटर को हीट करने के लिए, बट हमारा वाटर ऑलरेडी हीटेड है तो यहाँ पे स्टीम बनाने के लिए हमें कम हीट लगेगी. दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट. तो इस कंपोनेंट के बारे में और इसमें छोटे छोटे जो साइकल्स होती है जैसे कूलिंग साइकिल, पावर जनरेशन साइकिल, कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, इस प्लांट के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं इसी के बारे में. सो कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट. अभी आपने लेआउट देखा, लेआउट में आपको जो मेजर कंपोनेंट्स स्टीम पावर प्लांट के अंदर दिखे उसको आपको कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट में मेंशन करना है. लाइक दैट कोल हैंडलिंग प्लांट. अभी हमने डिस्कस किया कि कोल हैंडलिंग में कोल का स्टोरेज से लेके अपलोडिंग से लेके सारी चीज़ें. इस कोल हैंडलिंग प्लांट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले. नेक्स्ट है हमारा एयर एंड डस्ट हैंडलिंग सिस्टम. जो ऐश जनरेट होगा उसको हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, रीयूज करेंगे, इस सब का जो साइकिल रहेगा वो एयर एंड डस्ट हैंडलिंग सिस्टम रहेगा. ड्राफ्ट, हाई प्रेशर बॉयलर, प्राइम मूवर, कंडेंसर एंड कूलिंग टावर, फीड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज एज इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, फीड हीटर एट्सेट्रा टू इंक्रीज थर्मल इफिशेंसी ऑफ द प्लांट. तो लेआउट के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स और सिस्टम हमें कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट में रिप्रेजेंट करना है. नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट. तो हमें स्टीम पावर प्लांट के बारे में तो पता है कि किस तरह से वो लेआउट होता है. तो अभी हम डिस्कस करते हैं वर्किंग. तो वर्किंग लिखने के लिए आपको एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस काफी हेल्पफुल होता है. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पावर प्लांट में देखा था कि एनर्जी कन्वर्शन किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टीम पावर प्लांट के अंदर एनर्जी कन्वर्शन किस तरह से होता है. तो कोल एंड फ्यूल जो बॉयलर में कंबशन का काम करते हैं उसमें होती है केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो दोनों का आपस में रिएक्शन होके केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है और यही केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. कोल एंड फ्यूल मिक्स होके हीट होता है और इसके बीच में वाटर सर्कुलेट होने की वजह से वाटर ये हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दैट इज ए हीट एनर्जी जो फॉर्म होगी वो होगा एज ए स्टीम जनरेशन. वही हीट एनर्जी को हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी में. तो यहाँ पे जो स्टीम हमारी जनरेट हुई है वो नोजल के थ्रू हम टर्बाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करेंगे. तो ये नोजल के थ्रू जब हम स्टीम पास करेंगे टर्बाइन पे तो ये हमारी हीट एनर्जी दैट इज ए स्टीम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी और ये काइनेटिक एनर्जी
बाद में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब हम ये टर्बाइन पे स्ट्राइक करेंगे और टर्बाइन की ब्लेड रोटेशन करना स्टार्ट होगी। जैसे ही टर्बाइन रोटेट होता है तो टर्बाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर के शाफ्ट से कपल होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स EMF जनरेट होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और यही इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन। दिस ऑल आर द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस इन स्टीम पावर प्लांट, एंड दिस डायग्राम इज रिफर फॉर द एक्सप्लेनिंग वर्किंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट। Now we discuss about advantages of steam power plant. As a cheap coal is used, can be installed anywhere near fuel and water supply. तो आपको ये steam power plant fuel के पास में जहाँ coal availability होती है और water supply जहाँ पे होता है, क्योंकि water को ही हमें steam में convert करना है. That is a primary resource in steam power plant. वहाँ पे आप install इसको कर सकते हैं. Then require less construction space. ये as compared to hydroelectric power plant के comparison में इस steam power plant को कम space लगती है. Cost for generation is less. Hydroelectric power plant से यहाँ पे जो electricity generate होगी उसकी generation cost hydroelectric power के comparison में कम. Now we discuss about disadvantages of steam power plant. Air pollution from smoke fumes cost more to run compared with other type of power stations. तो इस स्टीम पावर प्लांट का मेन एडवांटेजेस है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि बॉयलर में स्मोक निकलेगा और उस स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन मोर है. ऑल्सो रनिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट. Let us discuss unit outcomes achieved by this lecture as list the components of steam power plant, explain working of steam power plant and also discuss advantages and disadvantages of steam power plant. Summary of today's lecture. तो आज हमने देखा steam power plant introduction, components of steam power plant और उसके advantages and disadvantages. देखते हैं program outcomes achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped by this lecture. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 11. You all write all the questions of this assignment in your copy and submit as assignment number 11. First question is that explain working of steam power plant with neat sketch. List the components of steam power plant. Discuss advantages and disadvantages of steam power plant. Construct layout of steam power plant with label. For solving this question, you watch this video again. Pause some time and listen carefully. What is explained in this video? Every point is very very important of this video for explaining steam power plant and its working. If some doubts, then contact to subject teacher. Topic for next session as fuel handling system. Fuel handling system किस तरह से work करता है steam power plant के अंदर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. कीप ऑनलाइन.